Hello guys, welcome to Law Tie. So today in this video I will teach you about Indian Contract Act interpretation clause के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ओवरव्यू देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसमें एक चीज बताना मैं भूल गई थी कि पार्ट वन में सेक्शन 1 से 75 तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, और सेक्शन 124 से 233 में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे बेलमेंट, इंडेमनिटी। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा बेसिक थिंग है जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन मेन कंटेंट पे आ जाते हैं अपने आज के। आज हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसलिए दिया जाता है कि कोई भी रिपीटेड टर्म्स जो उसमें यूज होती है उसका मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 2A से 2J तक पढ़ेंगे, जिसमें प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रपोजल से। प्रपोजल कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2A में दे रखा है। देखो, प्रपोजल की डेफिनेशन वेयर एक्ट में क्या दे रखी है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such other or abstinence he is said to make a proposal। क्या बोला है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, और किस व्यू से बताता है दूसरे पर्सन को, उसकी असेंट लेने के लिए, या तो वो हाँ कर दे या तो वो मना कर दे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है। अब इस प्रपोजल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी, ठीक है, तो क्या ये प्रपोजल होगा? तो नहीं, ये प्रपोजल नहीं होगा। इसने यहाँ पर क्या बताया है, सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ में इस व्यू से बताया हो कि वो उसकी एसेंट भी ले रहा हो, तो यहाँ पर ये प्रपोजल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू मैरी, और ए ने उसको ये भी बोला कि विल यू मैरी मी, तो यहाँ पर ये प्रपोजल है। यहाँ पर ये प्रपोजल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ए का इंटेंशन क्या है, बी की कंसेंट लेना है, तो ये एक प्रपोजल होगा। अब यहीं पर अगर बी बोल देता है कि यस आई विल मैरी यू, और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, देखो प्रपोजल को हम ऑफर भी बोल सकते हैं, उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। सेक्शन 2 भी यही बताता है, व्हेन द पर्सन टू हूम प्रपोजल इज मेड signifies his assent to the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted become promise। जब proposal accept हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, promise हो जाता है। अब आता है proposal और proposee। देखो, जिस लड़के ने जिस लड़की को प्रपोज किया है, तो जो लड़का है वो कौन हो गया, प्रपोजल। अगर लड़की हाँ कर देती है तो वो कौन हो जाता है, proposee हो जाता है। a person who make the proposal वो proposer, who accept the proposal वो proposee हो जाता है। ये section 2C में बताया है। अब आता है सेक्शन 2D, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है क्वाड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का अगर बेयर एक्ट में देखें तो इतना बड़ा डेफिनेशन है, पर इसका एक सिंपल सा मीनिंग अगर समझा जाए तो एक एग्जांपल से अपन इस कंसिडरेशन को समझ सकते हैं। देखो, कंसिडरेशन मतलब ये होता है ए साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ कार फ्रॉम बी फॉर ₹1,00,000। देखो, एक कोई भी पर्सन है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है दूसरे पर्सन से कि मुझे ना तुम्हारी कार चाहिए और उसके बदले में मैं तुम्हें ₹1,00,000 देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ₹1,00,000 और जो कार है ये कंसिडरेशन होता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक पर्सन जो उसको कार दे रहा है तो उसको बदले में पैसे तो चाहिएंगे, और एक बदला जो पैसे दे रहा है उसको बदले में कार तो चाहिएगी, तो दिस इज कंसिडरेशन। अब आता है नेक्स्ट एग्रीमेंट, सेक्शन 2E। एग्रीमेंट क्या होता है, देखो कोई भी कंसिडरेशन और एग्रीमेंट जब मिलते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। कैसे? देखो, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस होता है। कोई भी किसी को बोल रहे, जैसे मैंने किसी को बोला कि तुम मेरे ना घर में, मेरा एक रेंट अपार्टमेंट है तो मैं उसमें एक पार्टनर सर्च कर रही हूँ, तो क्या तुम उसमें मेरा पार्टनर बनना चाहोगे, तो सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ मैं बनना चाहूंगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब इसमें कंसिडरेशन की, देखो मैं ₹50,000 इसमें लगा रही हूँ और तुमको भी ₹50,000 इसमें लगाना है, हम तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मतलब इसमें कंसिडरेशन भी आ गया, इसमें प्रॉमिस भी आ गया, तो ये दोनों जब मिलते हैं तब एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो अपन कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन 2A। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन एग्जांपल पे ही जाते हैं। व्हेन यू गो टू शॉप, द शॉपकीपर एग्री टू गिव यू द प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर मनी,
जब आप किसी शॉप पे गए और शॉपकीपर एग्री करता है आपको प्रोडक्ट देने के लिए इन एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के एक्सचेंज में आपको प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हो जाता है, तो ये क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। यही लिखा है इसमें, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर ऑल कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। देखो ऐसे एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं कराए जा सकते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट सॉरी। फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट बिटवीन ड्रग डीलर एंड बायर इज वॉइड एग्रीमेंट सिंपली बिकॉज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल। देखो कोई भी पर्सन जो ड्रग डीलर है अगर वो कोर्ट में जाएगा कि ना ये जो बायर है इसने मुझसे ड्रग्स लिए थे पर ये मुझे ना पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट में मैं जा सकती हूँ या वो जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट 2H। जो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या है? तो इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कोई एग्रीमेंट और उसमें इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर दी जाए तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेलफोन कॉन्ट्रैक्ट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्रीमेंट, द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब इनके लिए अपन कोर्ट में जा सकते हैं, ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड होते हैं। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज रेटो बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसका भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक है शर्मा जी, एक है वर्मा जी। शर्मा जी ना वर्मा जी पे गन पॉइंट करते हैं और उनको बोलते हैं कि 50 रुपये में तुम तुम्हारा स्कूटर मुझे सेल कर दो। तो डर के कारण जो वर्मा जी है वो हाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी कंसेंट थी वो फ्री नहीं ली गई थी, तो उनकी साइड से ये क्या होगा? एक वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट तो वॉइडेबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल है। किसकी साइड से? एक जने की पार्टी से। अब है void contract section 2J। contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable। for example जैसे prostitution है, gambling है, ये सारे क्या होते हैं? ये void contract होते हैं। thank you guys for watching this video, do like comment and share this video। इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया है इन सब चीजों को अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो stay tuned for।